चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाए वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता की इन पंक्तियों के साथ स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। टुडे ऑन द ओकेजन ऑफ आर इंडिपेंडेंस डे पूर्णचंद विद्या निकेतन प्राउडली प्रेजेंट्स अ स्मॉल प्रोग्राम compiled by our dear students and teachers. Every year we celebrate this day to mark the end of 190 years long British rule in India. This year we are completing 73 years as an independent nation. The celebration of 15th August 2020 is slightly different due to the global crisis the world is facing. Nevertheless, it should not stop us from celebrating our national festival. So, with our hearts filled with joy and pride, let's begin our program. Jai Hind! प्रस्तुत करने जा रही हूँ। चलो फिर से आज वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर, देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर ले। आज हम भारत का 74वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। सदियों की गुलामी के पश्चात 15 अगस्त सन 1947 के दिन हमारा देश आजाद हुआ। ये वह स्वर्णिम पल है जब प्रत्येक भारतवासी अपनी आजादी का जश्न मनाता है और उन वीरों की शहादत को नमन करता है जिन्होंने अपने बलिदान से स्वराज का शंखनाद फूंका और आजादी की गौरव गाथा लिखी। ये दिन हम बड़े उत्साह और प्रसन्नता के साथ मनाते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों और विद्यालयों में राष्ट्रगीत गाया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और मिठाइयां बांटी जाती हैं। ये पर्व अमर वीरों के बलिदान के साथ साथ इतिहास को ना भूलने का भी स्मरण कराता है, ताकि दोबारा कोई शत्रु हमारी मातृभूमि की ओर आंख उठा कर ना देख सके। अंत में मैं कविता की कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। आज खिल उठे हैं चेहरे सारे, गूंज रहे चारों ओर स्वतंत्रता के वही नारे, इस जोश को होने ना दे कम, ऐसे मार्ग पर चले हम, देखता रह जाए संसार सारा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, जय हिंद।
रक्षा करूंगी। ये धरती मेरी माँ है, ये धरती मेरी माँ है, इस माँ को कुछ ना होने दूंगी, इस माँ को कुछ ना होने दूंगी। भागो अंग्रेजों भागो, ये छाती तुमको ना दूंगी, ये छाती तुमको ना दूंगी। जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी विजय बड़ी होती है, तभी विजय बड़ी होती है। हर महादेव, हर महादेव। वह मुझे मार सकते हैं मेरे विचारों को नहीं, वह मुझे कुचल सकते हैं मेरी आत्मा को नहीं। लिख रहा हूँ आगाज जिसका कल अंजाम आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। मैं रहूं या ना रहूं पर वादा है मेरा तुमसे कि मेरे बाद वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारी चिंता हम सबको करनी है और ये उत्तरदायित्व कोई मेरा नहीं है। मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती, लेकिन ये भारत के प्रत्येक नागरिक का उत्तरदायित्व है। मुझे गौरव है कि मेरा सारा जीवन सेवा में व्यतीत हुआ है और किसी चीज में नहीं, और जब तक मेरी जान रहेगी तब तक सेवा में ही व्यतीत होगा। मेरा एक एक खून का कतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून का कतरा एक भारत को जीवित करेगा। जय हिंद, जय भारत। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बाय कंट्रीब्यूटिंग मेन money and supplies to the struggle for Indian independence, you have set up a shining example of patriotism and sacrifice. Like a perennial spring, you sent your sons and daughters to the Azad Hind Fauj and Jhansi Rani Regiment. Do not be disheartened by a temporary defeat. Be cheerful and optimistic. Above all, never lose your faith in the destiny of India. India will be free, and that too soon. Jai Hind! इस वर्ष 15 अगस्त को भारत की आजादी के 73 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इन 73 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, लेकिन हमें यह बात भी स्वीकार करनी होगी कि वर्तमान सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में जिस तेज गति से प्रगति हुई है वह अपने ही आप में बेमिसाल है। प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास है, जिसका मतलब है कि वह सबका साथ देंगे और सबके विकास के लिए काम करेंगे। क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मांगूंगा कुछ भी हो, पर हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा। मैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। मैंने गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में काम किया है। गांधी जी के साथ अलग अलग क्षेत्रों में काम करने के बाद तब मुझे ज्ञात हुआ कि हमें सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं करनी चाहिए, हमें जो करने की कोशिश करनी चाहिए वो है लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वे आगे चलकर अपने और अपने देश की प्रगति कर सके। जय हिंद, जय भारत। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time has come when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. It is fitting that at this solemn moment, we take this pledge of dedication to the service of India and her people and to the still larger causes of humanity. Jai Hind. मैं सरोजनी नायडू, मुझे भारत की नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। मैंने स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ काम किया है और इसके लिए भारत की महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। स्वतंत्रता के बिना जिंदगी ऐसी है जैसे आत्मा के बिना शरीर। एक देश की महानता बलिदान और प्रेम उस देश के आदर्शों पर निहित करते हैं। हमें भारत से बीमारी को साफ करने से पहले पुरुषों की एक नई नस्ल चाहिए, जिससे हम सुखी व शांत जीवन जी सकें। जय हिंद।
रत्न लक्ष्मी से। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ने हमारे देश को नई स्वतंत्रता दी। हमारे पास मैन पावर और रिसोर्सेज है, लेकिन लालच के कारण हमने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। हमें उसका सही इस्तेमाल करना होगा, तभी ये देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।